ફેમિલી થેન્ક યુ સો મચ, તમે આટલી શોર્ટ નોટિસ પર અહીંયા આવ્યા છો. લોકોને હમણાં જોઈન કરાવ્યું છે ઇઝ બીકોઝ આજે હિન્દી દિવસના ઓકેઝન પર પ્રતિશે સ્કૂલમાં સ્પીચ આપી એન્ડ હી સ્ટુડ ફર્સ્ટ ઇન 200 સ્ટુડન્ટ્સ. અને એની માટેની જે સ્પીચ છે એ ઓલું છે સ્પીચ રિટન એક્ઝિક્યુટેડ ડિરેક્ટેડ બાય દિગીશ રાવલ, એટલે હવે નેક્સ્ટ યુ વિલ હિયર પ્રતિશ એન્ડ દિગીશ પરફોર્મિંગ ધ સ્પીચ. દિગીશ ગો ફોર ઇટ. सुनो भाई सुनो, वो भी क्या समय था जब 16 वर्ष का अभिमन्यु चक्रव्यूह में कूद पड़ा और समय ही करलकारा. वो भी क्या समय था जब 16 वर्ष के शिवा हिंद विश्वराज की शपथ ले उठे और समय ही करलकारा. समय जो समुद्र की लहरों के समान किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु जो उस पे सदुपयोग का अंकुश साधे तो विश्व की हर सिद्धि हर सफलताएं प्राप्त कर सकता है. आदरणीय शिक्षिकाएं और यहाँ उपस्थित मेरे सारे मित्रों को एक बार फिर प्रतीश रावल का भाव भरा नमस्कार. हिंदी दिवस के इस मनोरम पर्व में समय का सदुपयोग जैसे सर्वोच्च विषय पर एक कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. यह कहानी 100% सच्ची है, इनमें से कोई घटनाएं काल्पनिक नहीं है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना आनंद मुझे इस कहानी को कहने में है उससे कहीं अधिक गर्व आपको सुनने में होगा. तो सुनिए, यह कहानी है अत्याधुनिक भारत के एक महान चरित्र की, जिन्होंने न केवल समय को ललकारा बल्कि समय का सदुपयोग भी किया. इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में दक्षिण भारत के रामेश्वर में हुआ. इनके पिता नाविक होने के कारण पैसों की बड़ी तंगी रहती थी. बिना पैसों के कारण जहाँ अन्न पानी नहीं मिलता वहाँ पढ़ाई तो मानो उल्टी गंगा बहाने जैसा था. समय के इस दौर में हमारे नन्हे नायक ने एक बात समय से सीखी, रुके ना तू, झुके ना तू, थके ना तू, थमे ना तू. समाचार पत्र, जी हाँ सही सुना आपने, समाचार पत्र बेचकर उन्होंने पढ़ाई के पैसे जमा किए. घर में बिजली ना रहती तो वह गली की बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ते, पर समय से हार नहीं मानते. आत्मविश्वास और समय के इस संघात से उभरे The Missile Man of India, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उससे भी अधिक भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्री अब्दुल कलाम आजाद. श्री अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व ने भारत को परमाणु और नाभिक के विज्ञान माने न्यूक्लियर साइंस में कई नई सफलताएं प्राप्त हुई. चंद्रयान और मंगलयान जैसे विश्व प्रसिद्ध परियोजनाओं की श्री अब्दुल कलाम ने नींव बांधी. नहीं, बल्कि पूरे भारत देश का एक से एक विद्यार्थी कलाम बनना चाहता है. कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के बारे में
जितना मैंने परिवार से सुना है उससे मुझे समझ आता है कि कौरव की पराजय और धर्म स्थापना में अभिमन्यु का क्या योगदान रहा है। मुगलों और अंग्रेजों को खदेड़ने में और पूर्ण स्वराज स्थापित करने में छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या योगदान रहा है। अगर आप भी श्री अब्दुल कलाम आजाद का चरित्र पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान धन है